वक्त था बदले का, और उस टीम से बदले का जिसने भारतीय क्रिकेट फैंस तो छोड़िए भारतीय क्रिकेटरों को भी रोने पर मजबूर कर दिया। और ये सिलसिला सिर्फ 2019 से नहीं बल्कि 23 साल से चलता आ रहा था। बिल्कुल सही सुना, 23 साल से। और वो टीम भारत के क्रिकेट फैंस और खिलाड़ियों को रोने पर मजबूर करती आई थी। मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड की टीम की। बहुत से लोगों को सिर्फ यही पता होगा कि न्यूजीलैंड ने हमें 2019 में सेमीफाइनल से बाहर किया, लेकिन इंडिया टीम ने इतिहास में न्यूजीलैंड के सामने आईसीसी में 3 नॉकआउट मैच खेले थे और उन तीनों नॉकआउट मैचों में भारत को हार मिली। पहली बार इंडिया न्यूजीलैंड के सामने नॉकआउट में 2000 में आमने सामने हुई थी। बात है चैंपियन ट्रॉफी की। चैंपियन ट्रॉफी का मैच नैराबी के मैदान पर खेला जा रहा था। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सौरव गांगुली की 130 गेंदों पर 117 रन और सचिन तेंदुलकर की 69 रनों की पारी की बदौलत 264 रन बनाती है 6 विकेट के नुकसान पर, जहां पर न्यूजीलैंड के स्कॉट स्टाइरिस 2 विकेट निकालते और सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ उस मैच में रन आउट होते हैं। इंडिया की गेंदबाजी की शुरुआत काफी अच्छी रहती है, 132 रन पर न्यूजीलैंड अपने 5 विकेट गंवा देता है, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज क्रिस क्रेन की 102 रन की पारी और क्रिस हैरिस की 42 रन की पारी की बदौलत न्यूजीलैंड वो मैच इंडिया को 2 बॉल रहते हुए 4 विकेट से हरा देता है। और यहीं से टीम इंडिया के लिए न्यूजीलैंड नॉकआउट मैच में भारत के लिए एक बुरे साए की तरह पीछा कर लेता है। फिर दोनों टीमें दोबारा 2019 में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मिलते हैं। न्यूजीलैंड टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी लेता है। भारत की टीम ने न्यूजीलैंड को 50 ओवर में 239 रनों पर ही रोक देती है। न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन और रॉस टेलर 67 रन और 74 रन की पारी खेलते हैं। भारतीय फैंस बहुत ज्यादा खुश होते हैं, न्यूजीलैंड की टीम को हमने 239 रनों पर ही रोक दिया। भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार 3 विकेट लेते हैं। भारतीय फैंस को लगता है कि ये जीत बड़ी आसान है, आसानी से भारत मुकाबला जीत जाएगा, क्योंकि 2019 वर्ल्ड कप की बात करें तो रोहित शर्मा सेंचुरी पर सेंचुरी लगाए जा रहे थे, काफी अच्छे फॉर्म में थे। विराट कोहली हाफ सेंचुरी पर हाफ सेंचुरी लगाए जा रहे थे। गेंदबाजों ने इस मुकाबले में अच्छा काम दिखाया था, अब बारी थी बल्लेबाजों। लेकिन शुरुआत होती है उस बुरे पल की जिसकी किसी क्रिकेट फैंस ने उम्मीद नहीं की थी। भारतीय फैंस को नहीं पता था गेंदबाजी पर हंसने के बाद भारतीय फैंस खून के आंसू रोने वाले हैं। भारत की तरफ से ओपन करने मैदान पर आते हैं केएल राहुल और रोहित शर्मा। पहले ओवर में भारत के 2 रन रहते हैं, सूझबूझ भरी शुरुआत भारत करता है, फैंस को लगता है इजी है, आराम से जीत जाएंगे। दूसरे ओवर में मैट हेनरी रोहित शर्मा को अपना शिकार बना लेते हैं और भारत का स्कोर 2 ओवर के बाद 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तीसरे ओवर में ट्रेंट बोल्ट आते हैं, केएल राहुल की विकेट ले लेते हैं। भारतीय खेमे में शांति छाई हुई होती है कि ये क्या हो रहा है। ट्रेंट बोल्ट अपना पूरा ओवर मेडन डालते हैं। अब भारत का स्कोर 3 ओवर के बाद 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। भारतीय फैंस को अब भी उम्मीद थी भारत मैच जीत जाएगा, क्योंकि विराट कोहली मैदान पर थे, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, महेंद्र सिंह धोनी, बहुत ही स्ट्रेंथ बची हुई थी। लेकिन ये क्या, अगले ही ओवर में मैट हेनरी आकर विराट कोहली को LBW कर देते हैं। भारत का 4 ओवर में स्कोर रहता है 5 रन, वो भी 3 विकेट के नुकसान पर। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर मात्र 1-1-1 रन बनाकर चला जाता है और अब भारतीय फैंस की उम्मीदें खत्म होती हुई नजर आती है। धोनी और जडेजा मैच को संभालकर भारत की उम्मीद को कायम रखते हैं। जहां भारत का स्कोर 92 रन पर 6 विकेट होता, वहीं अब 208 रनों पर 7 विकेट था। जडेजा 70 रनों की एक अच्छी पारी खेलकर चले जाते हैं। अभी भी उम्मीद जिंदा रहती, धोनी मैदान पर, जीत के लिए 12 गेंदों पर 31 रनों की जरूरत। लेकिन मार्टिन गप्टिल का एक ऐसा डायरेक्ट थ्रो जिसने भारत के बच्चे बच्चे को रुला दिया। भारतीय फैंस तो छोड़ो, अंपायर भी शोक, ये क्या हो गया, ये किसी बुरे सपने से कम नहीं। डायरेक्ट थ्रो और मैच में महेंद्र सिंह धोनी का विकेट, न्यूजीलैंड वो मैच 18 रनों से जीत जाता है। दूसरी बार भारत न्यूजीलैंड से हार जाता है और भारत सेमीफाइनल से बाहर। और तीसरी बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में भी न्यूजीलैंड भारत को हरा देता। अब बात है 2023 की। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने न्यूजीलैंड को लीग स्टेज में 4 विकेट से मात देकर जरूर 20 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप में मुकाबला जीता। लेकिन अब एक बार फिर से वही सब होने वाला था जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नॉकआउट स्टेज में एक बार फिर से न्यूजीलैंड की टीम और भारत के लिए इस बार ये काम आसान नहीं होने वाला है। भारत के पास अब मौका था अपने हर पुराने दुख का बदला लेने का, अपने हर पुराने आंसू का बदला लेने का। डेट 15 नवंबर, मैदान मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है। भारत की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल। न्यूजीलैंड की तरफ से पहला ओवर डालने के लिए आते हैं ट्रेंट बोल्ट। सभी फैंस की धड़कनें काफी तेज थी इस मुकाबले से पहले। एक दिन पहले अगर आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि भगवान बस 10 ओवर इंडिया की टीम को खिलवा देना, इंडिया के ओपनर्स को खिलवा देना, क्योंकि जिस प्रकार से न्यूजीलैंड ने हमें करारी शिकस्त दी थी पिछले कुछ मैचों में वो कोई नहीं भूला था। सभी फैंस की धड़कनें काफी तेज थी क्योंकि आज टीम इंडिया के ओपनर कैसे बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि 2019 का सेमीफाइनल कोई नहीं भूला होगा। लेकिन यहां पर आज कुछ अलग होने वाला था। रोहित शर्मा अपनी वही अप्रोच के साथ पहले ही ओवर में बोल्ट के चौथी और पांचवी गेंद पर 2 चौके लगा देते हैं और इससे यह साफ हो जाता कि आज हीटमैन अपना रवैया नहीं बदलने वाले। वो वैसे ही खेलेंगे जैसे उन्होंने लीग स्टेज में
परफॉर्मेंस दी है, वो वैसा ही यहाँ पर परफॉर्म करेंगे जैसा वो अभी तक खेलते आए हैं, नॉकआउट हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता। और उन दो चौकों के बाद भारत का स्कोर पहले ओवर में 10 रन रहता है, एक अच्छी शुरुआत, और उसके बाद दूसरे ओवर में गिल आकर टीम सऊदी को दो चौके लगा देते हैं और उसके बाद भारत का स्कोर दो ओवर के बाद 18 रन पर रहता है। भारत की तरफ से रोहित शर्मा आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं और 8 ओवर में भारत का स्कोर 70 रन रहता है। 9वें ओवर की शुरुआत पर टीम सऊदी करते हैं और रोहित शर्मा दूसरी बॉल पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अपना विकेट गवा देते हैं, लेकिन रोहित शर्मा 28 गेंद पर 4 चौके और 4 छक्के की मदद से 47 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद मैदान पर विराट कोहली बल्लेबाजी करने आते हैं, कुछ ही टाइम में गिल अपना हाफ सेंचुरी कर लेते हैं और गिल रिटायर्ड हो जाते हैं। सभी फैंस एक बार फिर से उदास कि अब क्या होगा, क्योंकि गिल एक सेट बल्लेबाज थे और गिल रिटायर्ड हर्ट हुए थे, प्रॉब्लम एक बार से थी। लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आते हैं, एक छोर से विराट कोहली, दूसरे छोर से श्रेयस अय्यर। विराट कोहली एक तरफ से एंकरिंग करते हुए दिखाई देते हैं और दूसरे छोर से श्रेयस अय्यर धुआंधार पारी खेलते हैं। विराट कोहली एंकरिंग करते हुए अपना 100 बना लेते हैं और उसके बाद श्रेयस अय्यर काफी अच्छी बल्लेबाजी दिखाई देते हैं। श्रेयस अय्यर 70 बॉल में 105 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, तो वहीं केएल राहुल 20 बॉल पर 39 रन बनाते हैं। इंडिया टीम 50 ओवर में 397 रन बनाती है, लेकिन अब भी फैंस के हाल बुरे थे क्योंकि न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लगभग 400 रन चेस कर दिए थे। हर फैंस कह रहा था हम 20 रन पीछे, हम 30 रन पीछे। अब बारी थी इंडिया के गेंदबाजों की, सब कुछ इनके ऊपर, सब कुछ दांव पर लगा हुआ। पहला ओवर बुमराह लेकर आते हैं और उस पहले ही ओवर में बुमराह को दो चौके पड़ जाते हैं। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज के इरादे साफ थे, लेकिन 6th ओवर में समी अपनी पहली ही बॉल पर टिवॉन कॉनवे का शिकार कर लेते हैं। 8th ओवर में आकर रचिन रविंद्र का भी विकेट ले लेते हैं, समी अपने 2 ओवर में 2 विकेट निकाल लेते हैं। सारी भारतीय फैंस बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन केन विलियमसन और टॉम लेथम अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। जहां 39 रन पर 2 विकेट था, वहीं 220 रन पर तीसरा और चौथा विकेट भारत को मिलता है। अभी भी न्यूजीलैंड की उम्मीदें कायम थी क्योंकि डेन मिचेल काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, वो अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लग ही रहा था कि न्यूजीलैंड को वो मैच जीता ही देंगे, तब तक मोहम्मद समी का प्रहार शुरू हो जाता है और न्यूजीलैंड इंडिया के सामने उन 50 ओवर में 327 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और इंडिया 70 रन से यह मुकाबला जीत जाती है। ये सिर्फ मैच नहीं था, ये उस खून के आंसुओं का बदला था जो न्यूजीलैंड अब तक सबको देता आ रहा था। हर क्रिकेट फैंस इस मैच से एक दिन पहले अपनी हवा टाइट करके बैठा हुआ था और आज उस खून के आंसू का बदला पूरा होता है। तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।